हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स। बोर्ड परीक्षा में क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स 100 नंबर का पूछा जाता है, और ये जो 100 नंबर है, ये 100 नंबर दो भाग में बटा होता है। ध्यान दीजिएगा, जो मैथ का कुल अंक है वो आपका होता है 100 नंबर, मतलब कि बोर्ड परीक्षा में ये 100 नंबर का पेपर होता है, और ये जो पेपर है दो भाग में बटा होता है, 70 और प्लस 30। 70 नंबर का लिखित परीक्षा होता है, 70 नंबर का लिखित परीक्षा होता है, और ये 30 नंबर जो है ये आंतरिक मूल्यांकन है। आंतरिक मूल्यांकन का मतलब हुआ कि इसमें आपको प्रोजेक्ट फाइल दिया जाएगा बनाने के लिए, और इस प्रोजेक्ट फाइल को जो है आपको विद्यालय में जमा करना पड़ेगा, और विद्यालय के जो मैथ के टीचर होंगे, चाहे जो आपका जो स्टाफ होगा, ये इसका आंतरिक मूल्यांकन करेगा। और ये 30 नंबर में आप जितना नंबर पा सकते हैं, 28 नंबर, 29 नंबर, 27 नंबर, 26 नंबर, जितना नंबर भी आप पा सकते हैं, ये आपको विद्यालय से दिया जाएगा। ये आंतरिक मूल्यांकन है, और ये आपका बाह्य मूल्यांकन है, ये लिखित परीक्षा होगा जो दूसरे जगह के टीचर चेक करेंगे। तो बेसिकली हम लोग तैयारी इसी चीज़ का करते हैं, लिखित का, क्योंकि स्कूल से जो है अच्छा नंबर मिल ही जाता है। तो ये जो लिखित परीक्षा है ये हम लोग का 70 नंबर का होगा, और आंतरिक मूल्यांकन कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि विद्यालय से मिल जाएगा, और वास्तव में मिल भी जाता है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि हम लोग का ये 70 नंबर का जो लिखित परीक्षा है ये बहुत मायने रखता है, और इस 70 नंबर में 24 नंबर हमको पाना होता है इस परीक्षा को पास करने के लिए। तो हम इसी 70 नंबर को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए इस 70 नंबर का जो सिलेबस है, 70 नंबर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस 70 नंबर में जो सबसे पहला यूनिट पढ़ना हम लोगों को, वो है संख्या पद्धति। जी हाँ, संख्या पद्धति। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है। ये बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाएगा, और यहाँ से हर साल एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है 5 नंबर का, कभी कभी दो प्रश्न दे देता है, एक 2 नंबर में और एक 3 नंबर में। तो यहाँ से आपका 5 नंबर का एक सॉलिड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दूसरा है आपका बीजगणित। बीजगणित देखिए 18 नंबर का पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है यह क्लास टेंथ के मैथ का। बीजगणित 18 नंबर का पूछा जाता है, इसमें 3 लेसन है। बीजगणित में 3 लेसन है, एक है बहुपद, दूसरा है दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म, मतलब कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण, और तीसरा है समांतर श्रेणी। तो इन तीनों लेसन से मिलाकर आपका पूछा जाएगा 18 नंबर का। तो उसको पूरे को, 3 लेसन को बीजगणित के अंतर्गत रखा गया है। तो बीजगणित आपका होगा कितने नंबर का, 18 नंबर का। इसके बाद से आएगा निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तीन बिंदुओं से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस तरह से आपके पूछे जाएंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कार्तीय तल, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, वो सारा चीज़ यहाँ पर पढ़ा जाएगा निर्देशांक ज्यामिति में। और ये पूछा जाएगा कितने नंबर का, 5 नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद से आता है ज्यामिति। ज्यामिति पूछा जाता है 12 नंबर का। अब ज्यामिति में क्या आता है, तो ज्यामिति में आपका त्रिभुज आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा, और वृत्त से संबंधित जो रचनाएं हैं, और जो वृत्त से संबंधित जो प्रमेय हैं, तो वृत्त संबंधित प्रमेय रचनाएं और त्रिभुज संबंधी जो प्रमेय हैं, ये आपका इस ज्यामिति में पूछा जाता है 12 नंबर का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मान लीजिए 12 नंबर का पूछा जा रहा है, तो इसमें हम लोग पढ़ लेंगे त्रिभुज पढ़ेंगे और वृत्त पढ़ेंगे। ज्यामिति में पढ़ा जाएगा त्रिभुज और वृत्त, जो कि 12 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद से आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज और उससे संबंधित अज्ञात कोण, अज्ञात भुजाओं को, ये सब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब सारी चीज़ें पढ़ा जाएगा, और ये कितने नंबर का आपका पूछा जाएगा, 10 नंबर का। बहुत महत्वपूर्ण है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपका 11th और 12th में भी काम करता है। यहाँ से जो निर्देशांक ज्यामिति है ये भी आपका 11th और 12th में काम करेगा। बीजगणित भी आपका जो 18 नंबर का पूछा जाता है, ये भी 11th और 12th में काम करेगा। इसके बाद से है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ये 10 अंक का पूछा जाता है। मेंसुरेशन में क्या होता है, मेंसुरेशन में हम लोग त्रिभुज का, वृत्त का, चाहे जो दिया गया आकृति होता है, उन आकृतियों का क्षेत्रफल निकालते हैं, और
कुछ ठोस होते हैं उनका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, वक्र पृष्ठ निकालते हैं। तो सारा क्षेत्रफल संबंधी और आयतन संबंधी जो कैलकुलेशन किया जाता है वो आपका आ जाता है मेंसुरेशन में। जैसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कह दे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कह दे, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ या उसका आयतन कहे, तो ये सारी चीज़ें जो है क्षेत्रफल और आयतन से जो संबंधित प्रश्न होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन के अंतर्गत, और ये आपका पूछा जाएगा 10 नंबर का। इसके बाद लास्ट जो यूनिट है वो है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। सांख्यिकी एवं प्रायिकता में, सांख्यिकी में हम लोग समांतर माध्य पढ़ेंगे, समांतर माध्य से बहुलक पढ़ेंगे, उसमें समांतर माध्य बहुलक ये सारी चीज़ें पढ़ा जाएगा सांख्यिकी में। इसके बाद से आता है प्रायिकता। प्रायिकता में हम लोग संभावनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि किसी घटना के होने की संभावना कितना है और घटना के नहीं होने की संभावना कितना है, तो ये आपका पूछा जाता है 10 नंबर में। तो ये सारा आपका चीज़, इतना सारा चीज़ हमको क्लास टेंथ के मैथ में पढ़ना है। और हमने ऑलरेडी त्रिकोणमिति को पढ़ा दिया है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। मतलब कि हमने जो है क्लास टेंथ का जो मैथ है इस मैथ में 10 अंक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और बोर्ड परीक्षा में अपनी तैयारी कन्फर्म रखिए। तो 10 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीजगणित। हम लोग यहाँ से 18 नंबर पहले कवर करेंगे। बीजगणित पहले पढ़ लेते हैं 18 नंबर का। 10 नंबर का त्रिकोणमिति हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसके बाद हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति फिर मेंसुरेशन, फिर सांख्यिकी और प्रायिकता, और लास्ट में पढ़ लेंगे हम लोग संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को थोड़ा बाद में पढ़ा जाएगा, शुरू करते हैं हम लोग बीजगणित जो कि बोर्ड परीक्षा में 18 नंबर का पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बीजगणित। तो बीजगणित बोर्ड परीक्षा में हमने बताया अभी कि ये 18 नंबर का पूछा जाएगा, और बीजगणित को हम लोग 4 लेसन में पढ़ेंगे। बीजगणित 4 लेसन में पढ़ा जाएगा। पहला होगा बहुपद, उसके बाद से है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद है द्विघात समीकरण, और उसके बाद है समांतर श्रेणियाँ। तो जो बीजगणित वाला यूनिट है ये 4 लेसन में बटा हुआ है, बहुपद, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियाँ। इस साल हम लोग 2021 में हैं और 2022 का जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है 2022 में, तो 22 में क्या किया है कि कोरोना के चलते जो बहुत समय तक स्कूल हम लोगों का बंद रहा, इस कारण जो मैथ का सिलेबस है और मैथ के अलावा और जितने भी सब्जेक्ट आपके हाई स्कूल में पढ़ने हैं उसमें से क्या किया है कि 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है और 70% सिलेबस का ही बोर्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जो 30% सिलेबस कम किया है इसमें बहुपद को हटा दिया है, बहुपद को नहीं पढ़ना है, और समांतर श्रेणियाँ को इसको नहीं पढ़ना है। जबकि आप जो है 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर समांतर श्रेणी आपको मिलेगा। तो ये दोनों टॉपिक को क्या कर दिया है, दोनों लेसन को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसमें सारा चीज़ पढ़ाएंगे। बहुपद भी हम लोग पढ़ेंगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण तो पढ़ना ही है, इसको भी पढ़ा जाएगा, द्विघात समीकरण पढ़ा जाएगा और समांतर श्रेणियाँ भी पढ़ा जाएगा। लेकिन इस बहुपद को पहले शुरू ना करके हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत 10 साल का एक्सपीरियंस है कि ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण पढ़ लेने के बाद ये बहुत अच्छे से समझ में आता है बहुपद। अब NCERT में चूंकि ये लेसन को पहले दिया गया है, ये उन राइटरों का अपना अपना सोच है, लेकिन हमारे हिसाब से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण को आप पहले पढ़ लेते हैं तो बहुपद बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि बहुपद में द्विघात समीकरण के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम लोग पहले इस 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को पढ़ लेते हैं, फिर द्विघात समीकरण को पढ़ लेंगे, उसके बाद बहुपद को पढ़ेंगे और फिर पढ़ लेंगे समांतर श्रेणी को। ठीक, तो हम शुरू करते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को। ये समझते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो हमने लिखा है हेडिंग 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिए, 2 चर का मतलब हुआ, चर का मतलब होता है कि वह पद जिसका मान अलग अलग स्थिति में अलग अलग होता है। जैसे हम लोग 2 चीज पढ़ते हैं, एक होता है चर और एक होता है अचर। चर का मतलब कि यह एक ऐसा पद होता है जिसका मान अलग अलग स्थिति में अलग अलग होता है, और अचर का मतलब होता है जिसका मान प्रत्येक स्थिति में बराबर रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। जैसे हम यहाँ लिखें कि x+5=7 और x+3=9, यहाँ पर हम 2 चीज़ें लिख रहे हैं, हमने 2 समीकरण लिखा है। ठीक, 2 समीकरण। इस समीकरण में पहला है x+5=7,
तो एक्स के बदले में क्या होना चाहिए कि यहाँ पर 7 आ जाए, तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि एक्स के बदले में 2 होना चाहिए, एक्स के बदले में क्या होना चाहिए 2, और एक्स इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 9 है, तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 9 इस समीकरण के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू होनी चाहिए 6, तो 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। क्या जो यह समीकरण है, यह वाला समीकरण, यह x इक्वल टू 2 के अलावा किसी अन्य मान पर सेटिस्फाइड होगा, संतुष्ट होगा? नहीं होगा। आप x इक्वल टू 2 के अलावा यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो ये 7 नहीं आएगा, आप रख के चेक कर सकते हैं। दूसरे समीकरण में एक्स प्लस 3 इक्वल टू 9 है, इसमें x इक्वल टू 6 के अलावा अन्य दूसरा कोई भी अंक रखेंगे, कोई भी मान रखेंगे, तो ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा, आप रख के चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही x था, दोनों x तो एक ही है, लेकिन इस x का वैल्यू एक बार 2 आया है और इस x का वैल्यू एक बार 6 आया है, मतलब कि इस x की वैल्यू निश्चित नहीं है, कभी 2 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, और हो सकता है कि किसी अन्य समीकरण के लिए कुछ और आ जाए। तो इस ये जो आपका पद है, ये जो अक्षर है, इसी को हम कहेंगे चर, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है निश्चित नहीं है, ये अलग अलग स्थिति में अलग अलग होगा, तो ये हमारा हो गया चर। लेकिन हम कहें कि 5, तो 5 को आप कभी भी लिखेंगे, कहीं भी लिखेंगे, किसी भी स्थिति में लिखेंगे, तो इसका मतलब 5 ही होगा। ये अपना जो मान है, वैल्यू है, ये नहीं बदलेगा, ये जब इसका मनाएगा तो 5 ही मान होगा, तो ये कहलाएगा अचर, और जो x है वो कहलाएगा चर। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चर की। तो यहाँ पर देखिए ऐसे समीकरण जिनमें 2 अज्ञात राशियाँ मतलब कि चर हों, मतलब कि ऐसा समीकरण जिसमें 2 अज्ञात राशि हो, जो जो समीकरण हमने यहाँ पर लिखा है, इस समीकरण में केवल एक अज्ञात राशि है और वो क्या है, x है, जबकि हमको ऐसा समीकरण चाहिए जिसमें 2 अज्ञात राशियाँ हो, एक x हो और एक y हो, या हो सकता है कि कोई a हो या b हो या p हो या q हो, कोई भी हो, लेकिन 2 अज्ञात राशि होना चाहिए। तो ऐसा समीकरण जिसमें 2 अज्ञात राशि हो तथा उस समीकरण का अधिकतम घात 1 हो, तो उसे हम 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिए इस समीकरण का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, यहाँ भी हाईएस्ट पावर 1 है, ये भी आपका रैखिक समीकरण तो है लेकिन केवल एक चर में है, और वो चर कौन सा है, एक्स है, लेकिन हमको एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, मतलब एक्स भी एक होना चाहिए और एक इसके अलावा कोई और हो या कोई भी चर हो, मतलब कि उसमें 2 होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण लिख दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 या 2x माइनस 5y इक्वल टू 9, ये जो समीकरण हमने लिखा है, ये समीकरण आपके 2 चर में है और रैखिक समीकरण है। 2 चर का मतलब कि इसमें x भी है और y भी है, यहाँ पर 2 अज्ञात राशियाँ हैं, और इस समीकरण में आप देखेंगे तो अज्ञात राशि केवल एक ही था और वो क्या था, x था, लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 अज्ञात राशियाँ हैं, एक x है और एक y है, तो 2 अज्ञात राशियाँ हैं और इनका हाईएस्ट पावर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो इसको हम कहेंगे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। 2 चर हैं मतलब कि 2 अज्ञात राशियां हैं और हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो ये कहलाएगा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। तो आप एक बार पुनः डेफिनेशन देख लीजिए कि ऐसे समीकरण जिनमें 2 अज्ञात राशियां मतलब कि 2 चर उपस्थित हों तथा उस समीकरण का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। 2 चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं वो कुछ इस प्रकार लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमने समीकरण लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये 2 चर में रैखिक समीकरण है। 2 चर का मतलब हुआ कि इसमें 2 अज्ञात राशियां हैं, एक x है और एक y है, और 2 अज्ञात राशियां ऐसी हैं कि इनका योगफल 5 है। तो अब थोड़ा सा हम इस x के मान पर विचार करते हैं कि x के क्या क्या मान यहाँ पर हो सकते हैं। यदि हम मान लें कि x इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए दोनों में जो अज्ञात राशियां हैं, दोनों इसमें कोई भी हमको पता है नहीं, तो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि x का मान कितना है, 1 है। तो अगर x का मान 1 हो जाए तो उस कंडीशन में y का मान 4 ही होगा,
क्योंकि 4 के अलावा दूसरा कुछ मान हो ही नहीं सकता है। अगर x का मान आप 1 मानते हैं तो x का मान वही हो सकता है जिसको जोड़ने पर क्या आ जाइए 5 आ जाए। तो x इक्वल टू जब 1 होगा तो उस कंडीशन में y का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यदि हम कुछ देर के लिए माने कि x का मान 2 है, x इक्वल टू 2, तो जब x इक्वल टू 2 होता है तो उस कंडीशन में अब देखिए y का मान फिर से बदलेगा क्योंकि हमको इसका योगफल 5 ही प्राप्त करना है। तो जब x का मान आप 2 रखेंगे, x का मान 2 मानेंगे तो उस कंडीशन में y का मान क्या होगा तो 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। यदि कोई x का मान 3 कहे, x का मान कितना कहे 3 कहे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2, मतलब कि 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। कोई x इक्वल टू 4 कहे तो y इक्वल टू हो जाएगा 1। और सिर्फ इतने ही इसके मान नहीं होंगे, इसके अलावा इसके बहुत सारे मान होंगे। मतलब कि आपके पास जो एक समीकरण है उसमें x और y के बहुत सारे अनगिनत मान होंगे। तो ये थोड़ा सा कुछ अलग सा लग रहा है क्योंकि अगर कोई पूछे कि x प्लस y इक्वल टू 5 है तो x और y का मान बताइए, तो आप कितना मान बताएंगे? और पता नहीं जो आप मान बता रहे हैं वो उस आदमी के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि हम बताएं कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, और वो खोज रहा है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, तो दोनों लोग अपने आप में सही हैं। लेकिन जो हमारा वैल्यू हुआ, जो इसका सॉल्यूशन हुआ, वो एक्यूरेट नहीं हुआ, वो कन्फर्म नहीं हुआ, क्योंकि x के बहुत सारे वैल्यू पर y का बहुत सारा वैल्यू निकलेगा। मतलब कि इस समीकरण के अनगिनत मान होंगे, इस समीकरण के अनगिनत हल होंगे। तो अब कोई पूछे कि भाई इसका कन्फर्म सोल्यूशन क्या होगा, तो एक समीकरण से हम कन्फर्म सोल्यूशन नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो अज्ञात राशियाँ हैं और दो अज्ञात राशियों के लिए कम से कम दो समीकरण का होना अनिवार्य है। तो जब भी आप दो अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, उसको हम लोग अगले प्रश्नावली में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर केवल इस समीकरण की बात करेंगे। जैसे कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हमारे पास दो दो समीकरण हो गए। अब हम कहें कि अब x और y का वही वैल्यू हम लोग का माना जाएगा जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए और यहाँ पर घटाने पर 1 आ जाए, तो हमको लगता है कि यही बेहतर होगा। x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा और यहाँ पर 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। अब आप इसमें कोई भी रख लीजिए, कोई भी इसको संतुष्ट नहीं करेगा। 1 4 इसको तो संतुष्ट कर देगा, लेकिन 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, इसको सेकंड वाले को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो जब भी आपको दो अज्ञात राशि वाला समीकरण हल करना होता है तो उस कंडीशन में आपको दो समीकरण ही चाहिए, एक समीकरण की सहायता से आप उसका कन्फर्म मान नहीं बता सकते हैं। तो हम लोग समीकरणों को हल करना अगले प्रश्नावली में सीखेंगे। हम लोग जो प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं, प्रश्नावली 3.1, इसमें अभी हम लोग समीकरण को हल करना नहीं सीखेंगे, अभी हम समीकरण को लिखना सीखेंगे, समीकरण को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो हमको कुछ इबारती प्रश्न दिए जाएंगे और उस प्रश्न की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को प्रदर्शित करेंगे। तो आइए प्रश्नावली 3.1 को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से एक बार पढ़िए, फिर इसका हम सोल्यूशन बताते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि अफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अफताब है और अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब कि 7 साल पहले मैं 7 गुने आयु का था और अब से 3 साल बाद 3 गुने आयु का रह जाऊंगा। इसे बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न को आप एक बार दो बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके कंडीशंस को देखेंगे कि यह क्या कह रहा है। तो यहाँ पर अगर हम आयु वाले प्रश्नों को देखें तो आयु वाले प्रश्न में जैसे मान लीजिए कि इस समय किसी व्यक्ति का आयु 10 वर्ष है, जैसे मान लीजिए किसी कोई है और इस समय उसका आयु 10 साल है, तो 10 साल है। और अगर हम पूछें कि भाई 5 साल पहले उसका आयु क्या था, अभी 10 साल है और 5 साल जब पहले का आयु पूछा जाएगा तो वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटाया जाएगा,
लेकिन अगर वर्तमान आयु 10 साल है और 5 साल बाद का आयु अगर ज्ञात करना हो तो बाद वाले आयु में जितने साल बाद आप आयु ज्ञात करना चाहते हैं उतना साल जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि 10 साल के अगर हम हैं तो 5 वर्ष पहले का आयु हमारा 5 साल रहेगा, और अगर हम 5 साल बाद का निकालना चाहते हैं तो 10 में 5 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब कि 15 साल का रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि एक आफ्ताब है और उसकी पुत्री है, दोनों की वर्तमान आयु कुछ ना कुछ होगी। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हमारे पास मिल रही हैं, एक आफ्ताब की आयु चाहिए और उसकी पुत्री का आयु चाहिए। तो ज्ञात तो हमको कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि आफ्ताब की आयु को x मान लेंगे और उसकी पुत्री को आयु को y मान लेंगे, क्योंकि इसको बीजगणितीय रूप में दिखाना है। तो बीजगणितीय रूप का मतलब हुआ हमको इक्वेशन सेट करना है, समीकरण को बनाना है। तो समीकरण को बनाने के लिए इसमें के कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए, आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु। तो हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की आयु x है और उसकी पुत्री की आयु y है। यहाँ पर मान लिया जाए, माना आफ्ताब की आयु, वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु आफ्ताब की वर्तमान आयु x तथा उसकी पुत्री की आयु y है। मान लेते हैं कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x है और उसके पुत्री की y है। तो इसमें ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, माने आज से 7 वर्ष पूर्व, इसका मतलब कि आफ्ताब का भी 7 वर्ष पूर्व उम्र निकालना पड़ेगा और उसकी पुत्री का भी 7 वर्ष पूर्व उम्र निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का 7 वर्ष पूर्व जो आयु है उसमें आफ्ताब 7 गुना है अपनी पुत्री की आयु का। तो यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे कि 7 वर्ष पूर्व, अगर हम बात करें 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। देखिए वर्तमान में x है, जैसे हमने माना कि अगर किसी का उम्र वर्तमान में 10 साल है तो 5 साल पहले का निकालना है तो उसमें से 5 घटाना पड़ेगा। तो उसी तरह आफ्ताब की आयु इस समय x है तो 7 साल पहले का अगर निकालेंगे तो ये x माइनस 7 हो जाएगा, और उसकी जो पुत्री है उसकी आयु इस समय y है तो उसका भी तो 7 साल पहले का निकालना पड़ेगा, क्योंकि 7 साल पहले दोनों तो 7 साल कम होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु हो जाएगा y माइनस 7। तो दोनों का उम्र 7-7 साल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि 7 साल पहले दोनों 7 साल कम रहे होंगे। अब प्रश्न में कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न की जो स्थिति है उस प्रश्न के अनुसार देखिए, ये कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, माने जो आफ्ताब है ये 7 गुना आयु का है, यह जो बंदा है ये 7 गुने आयु का है, किससे, अपनी पुत्री से। और आप जानते हैं कि जब भी समीकरण को बनाना होता है तो समीकरण में बराबर का चिन्ह रहता है, मतलब कि अगर इन दोनों आयु को हम बराबर कर देंगे तो समीकरण हमारा तैयार हो जाएगा। तो एक तरफ देखिए x माइनस 7 आफ्ताब की आयु और दूसरे तरफ y माइनस 7 उसकी पुत्री की आयु, तो आफ्ताब का आयु 7 गुना ज़्यादा है, 7 गुना क्या है, कम है। तो यदि हम पुत्री की आयु में 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये आफ्ताब की आयु है जो कि 7 गुना बड़ा है, किसकी, अपनी पुत्री से, तो इसकी पुत्री से 7 गुना बड़ा है, मतलब कि पुत्री की आयु में 7 का गुणा कर देंगे तो आफ्ताब के आयु के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से हमको एक समीकरण मिल जाएगा। देखिए x माइनस 7 इक्वल टू 7 से गुणा कराइए 7y और माइनस 7 से 49, और 7y को भेज देते हैं इधर, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 है और माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ से
एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस उनचास आ प्लस सात, तो माइनस उनचास में से सात जब घटेगा तो हो जाएगा माइनस 42 इक्वेशन नंबर वन। तो ये हुआ बीजगणितीय रूप, लेकिन ध्यान देना ये केवल एक कंडीशन के लिए है, सात साल पूर्व के लिए। अब ये कह रहा है कि अब से तीन वर्ष बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो अब से इसको तीन साल बाद का फिर से निकालना पड़ेगा। तो जब अब इसे तीन साल बाद का निकालेंगे तो तीन साल बाद के लिए देखिए, तीन साल बाद का समझते हैं। तो सात साल पूर्व का जब हमको उम्र निकालना था तो हमने सात घटाया, और तीन साल बाद का उम्र निकालना है तो तीन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे तीन वर्ष बाद। अब आफ्ताब कितने का हो जाएगा, आफ्ताब की आयु तो तीन वर्ष बाद, वर्तमान में उसका आयु x है और तीन वर्ष बाद आप निकाल रहे हैं तो उसमें तीन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब कि x प्लस थ्री। और उसकी पुत्री की आयु, वही तो तीन वर्ष बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों का एज साथ साथ बढ़ेगा। तो तीन वर्ष बाद आफ्ताब x प्लस थ्री हो गया और उसकी पुत्री y प्लस थ्री। अब ये कह रहा है कि तीन वर्ष बाद वह अपनी पुत्री का आयु का तीन गुना रह जाएगा। तो फिर से प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार अब जो आफ्ताब है वो मात्र तीन गुना है, मतलब कि x प्लस थ्री इधर हो गया y प्लस थ्री, तो ये आफ्ताब की आयु है, ये उसकी पुत्री का आयु है, और इस आयु का ये कौ गुना है, तीन गुना है, मतलब कि उसकी पुत्री की आयु में तीन से गुना कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना गुना वो छोटी है उतना ही गुना बड़ा कर देना है, गुना करके बराबर कर देना है। तो यहाँ से x प्लस थ्री इक्वल टू थ्री वाई प्लस नाइन, आप x को y को एक तरफ कर लीजिए तो x माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन इधर बच गया, आप प्लस थ्री उधर गया तो माइनस थ्री हो गया, और इधर से x माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, ये आपके बन गए दो समीकरण। तो ये जो दो समीकरण हम लोगों को प्राप्त हुआ है, x माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, यही पहले प्रश्न का बीजगणितीय रूप हुआ। ये तो आपका बीजगणितीय रूप हुआ, और इस बीजगणितीय रूप को हमको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका हम ग्राफीय निरूपण दिखाते हैं। अब देखते हैं समीकरणों का ग्राफीय निरूपण। तो हमने समीकरण को यहाँ पर बना दिया है, बीजगणितीय निरूपण हमने कर दिया है, x माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। तो ये हमारे पहले प्रश्न का बीजगणितीय रूप है, और अब हम इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो बीजगणितीय रूप से ग्राफीय निरूपण करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि दोनों समीकरणों के लिए एक टेबल खींचना पड़ता है, और टेबल खींचते कैसे इसको समझिए। हम लोग करते क्या है कि जो आपका पहला समीकरण दिया हुआ है, इस पहले समीकरण में y का अलग अलग वैल्यू रखते हैं, अपने हिसाब से y का अलग अलग वैल्यू रखते हैं, और उस हिसाब से x का अलग अलग मान हमको प्राप्त होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है समीकरण एक के लिए, तो हमने समीकरण एक के लिए y इक्वल टू सेवन लिया है, तो जब आप यहाँ पर y इक्वल टू सेवन रखेंगे तो x की वैल्यू भी आपको सेवन प्राप्त होगी। y इक्वल टू सेवन रखेंगे तो x की वैल्यू कितना प्राप्त होगा, सेवन प्राप्त होगा। इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए आप y के बदले में सेवन रखिए तो x माइनस सेवन है इंटू सेवन रखा गया, तो सेवन इंटू सेवन इक्वल टू हो गया, यहाँ पर माइनस 42 दिया हुआ है तो x माइनस सेवन इंटू सेवन आपका 49 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 42, और x माइनस 49 जाके उधर क्या हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा, और ऑलरेडी माइनस 42 वहाँ पर मौजूद है तो x इक्वल टू 49 में से 42 घट गया तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो हम भी वही कह रहे थे कि जब y का मान आप 7 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब y का मान आप 8 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पर y का मान जब आप 8 रखेंगे, रख लीजिए एक बार यहाँ पर 8, तो 8 रखेंगे तो 7 वठे हो जाएगा 56, और जहाँ पर माइनस 56 जब उधर जाएगा
हो जाएगा प्लस 56 और 56 में से 42 घटेगा तो ये मिलेगा आपको 14। तो जब y का मान 8 रखाया तो x का मान कितना आ गया 14। इसी प्रकार जब y का मान 9 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो एक हमने टेबल बना दिया, यही टेबल समीकरण 2 के लिए बनाया जाएगा। तो समीकरण 2 में भी देखिए, हम y का मान 4 रखेंगे, y का मान 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 4 × 3 = 12 और −12 जब उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा और 6 और 12 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर देख लीजिए x −3 × y का मान 4 = 6 तो x −3 × 12 अब बराबर इधर कितना हो गया 6 − 12 जब उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा और 12 × 6 कितना हो जाएगा 18। तो 12 × 6 = 18 तो जब y का मान 4 रखा है तो x का मान आ गया 18। उसी तरह y का मान जब 5 रखा जाएगा तो x का मान आ जाएगा 21 और y का मान जब 6 रखा जाएगा तो x का मान आ जाएगा 24। और इसी का हमको क्या करना है, ग्राफीय निरूपण करना है। तो ग्राफीय निरूपण करने का मतलब कि हमको यहाँ पर ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, x अक्ष लेते हैं और y अक्ष लेते हैं। तो ग्राफ के लिए हम यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष ले रहे हैं। ठीक, x अक्ष और y अक्ष हो गया। अब हम x अक्ष पर आप ग्राफ पेपर जब देखे होंगे तो ग्राफ पेपर में 1-1 सेंटीमीटर पर ऐसे लाइन खींचा रहता है। तो हम यहाँ पर उस लाइन को तो नहीं खींच सकते हैं, लेकिन 1-1 सेंटीमीटर का मार्किंग आप लगा सकते हैं। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फिर यहाँ पर भी ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमने यहाँ पर ले लिया। अब ध्यान दीजिए कि x पर आपको 7 स्टेप चलना है, मतलब कि x पर आपको x अक्ष पर 7 दिखाना है। तो 7 का मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 कदम चलना है और y पर भी कितना चलना है, 7 चलना है। तो ये ग्राफ बड़ा ना हो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम x अक्ष और y अक्ष पर एक खाना, मतलब कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष तथा y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2। एक खाना मतलब कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मान लेंगे, मतलब कि जब हम एक खाना चलेंगे ना तो इसका मतलब हुआ 2। दो खाना चलेंगे तो इसका मतलब 4। तीन खाना चलेंगे तो इसका मतलब 6। इस तरह से हम लोग मान लिए हैं। एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि y का मान हम सीधे 7 से क्यों रखे हैं। इसलिए क्योंकि देखिए y का मान, चूँकि ये जो इक्वेशन बना है ये दो आदमी की उम्र के लिए बना है, उम्र के लिए, आयु के लिए। तो अगर हम y का मान अगर 7 से कम रखते हैं ना तो या तो x का मान 0 आ जाएगा, नहीं तो माइनस में आएगा। और आप सोचिए कि किसी का उम्र ना तो 0 हो सकता है और ना ही माइनस में हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा वैल्यू रखे हैं। बाकी आप दूसरा कोई सवाल बनाते तो वहाँ पर अपने हिसाब से प्लस माइनस कुछ भी ले सकते थे, 0 भी ले सकते थे। लेकिन इस प्रश्न के लिए स्पेशली ये है कि चूंकि आयु है तो हम 0 नहीं ले सकते हैं और ना ही माइनस वाला ले सकते हैं। तो हमको यहाँ पर x पर चलना है 7। तो 7 के लिए ध्यान दीजिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 2 होता है, तो 7 के लिए हमको 3 स्टेप चलना पड़ेगा। तो 3 स्टेप चल देंगे तो 6 हो जाएगा और फिर से आधा स्टेप चल देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए x पर 7, देखिए सारा चीज़ पॉजिटिव है, इसमें कहीं भी माइनस नहीं है, इसलिए ना तो हम x अक्ष पर पीछे की तरफ आएंगे और ना y अक्ष पर नीचे की तरफ जाएंगे। तो इधर हम नहीं जाएंगे क्योंकि माइनस वाला हमको नहीं लेना है। तो x पर 7 है तो चलिए 1, 2, 3 तो यहाँ पर तो 6 हो गया और फिर यहाँ बीच में चल देंगे तो कितना हो गया, 7। और y पर भी चलना है 7, मतलब कि 1, 2, 3 6 हो गया और यहाँ पर बीच में हो गया 7। तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिल रहा है 7, 7, इसका नाम दे देते हैं 7, 7, 7, 7। अब x पर चलना है 14, y पर चलना है 8। तो x पर चलना है 14, इसका मतलब कि अगर एक खाना बराबर 2 मानते हैं तो हमको 7 खाना चलना पड़ेगा 14 के लिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक, ये हमारा हो गया। और y पर चलना है 8, मतलब कि 4 खाना, एक खाना बराबर 2 होता है, 2 हमने माना है। तो 1, 2, 3, 4 तो इसके आगे, इसके ऊपर
ये जो पॉइंट मिला, ये मिला हम लोग का 14.8। पहले हम एक्स वाला लिखते हैं और फिर वाई वाला लिखते हैं, तो हो गया 14 और 8। उसके बाद चलना है एक्स पर 21 और वाई पर 9। तो एक्स पर 21 का मतलब कि एक खाना बराबर 2 है, मतलब कि आपको 10 खाना चलेंगे तो 20 तक पहुंचेंगे, और आधा खाना चलेंगे तो एक 21 तक हो जाएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 20 खाना 20 हो गया और आधा चल लेंगे तो 21 पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से हम ठीक कहाँ लेंगे, ऊपर लेंगे, और वाई पर 9 चलना है। 9 का मतलब कि 8 से थोड़ा सा अधिक, मतलब कि 4 खाना चल लेंगे तो इसका मतलब 8 हुआ, और 9 में 9 हमको रखना ही है। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर तो 8 हो गया, और आधा ले लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 9। तो ये जो आपको पॉइंट मिला, ये मिला 21, 9। हमेशा x वाले को पहले लिखते हैं और y वाले को बाद में। तो ये 3 पॉइंट मिल गया, आप इन तीनों पॉइंट को मिला दीजिए, तीनों पॉइंट क्या कीजिए, मिला दीजिए। ये आपका मिल गया ग्राफ किसके लिए, तो ये मिला पहले वाले के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये मिला पहले वाले के लिए, ठीक। ये आपको मिला पहले वाले के लिए। अब दूसरे वाले के लिए खींचते हैं, तो दूसरे वाले के लिए x इक्वल टू 18। 18 का मतलब हुआ कि x पर 18 चलना है, तो 18 तो हम चल नहीं सकते हैं क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर और 2 माने हैं, तो 1 सेंटीमीटर और 2 माने हैं, तो हमको 9 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, 9 × 18, तो 9 चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। और y पर चलना है 4, तो हम अभी बताए हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2, तो 4 चलना होगा तो 2 सेंटीमीटर, तो 1, 2। तो ये जो पॉइंट मिला, ये आपको मिल गया 18 और 4 का। तो इस पॉइंट के बाद हम लिख देते हैं 18 और 4, एक पॉइंट मिल गया। फिर इसके बाद से है 21 और 5, तो x पर चलना है 21, तो 21 के लिए ध्यान दीजिएगा, 21 के लिए तो हम 10.5 पर चलेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.5, 21 तो यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन हमको y पर 5 ही चलना है, तो y पर 5 चलने के लिए 1 मतलब 2 हो गया, एक खाना मतलब 2, दूसरा खाना मतलब 4, और 5 तक ही रहना है, तो यहाँ तक आधा तक हम ले लेते हैं, तो ये आपका पॉइंट मिल गया 21, 5, ठीक। इसके बाद से है 24, 6, तो x पर 24 का मतलब कि 12 स्टेप चलना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पर, और y पर चलना है 6, 6 माने 3 खाना, तो 1, 2, 3 आप यहाँ इसके सामने आ जाएंगे सामने, तो ये आपका मिल गया। अब आप देखेंगे तो ये तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो ये आपका ग्राफीय निरूपण हो गया। अब आप इसको आगे तक ले जाएंगे, तो जहाँ पर जाके मिलेगा वही कटान बिंदु क्या हो जाएगा, इन समीकरणों का हल हो जाएगा। ऐसा हम लोग जब ग्राफीय विधि से समीकरण का हल करेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे। तो ये आपका हो गया इस समीकरण का ये ग्राफीय निरूपण, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इस 3.1 में 2 प्रश्न और हैं, तो हमने 1 प्रश्न को बता दिया, और 2 प्रश्नों को आप कमेंट करके बताइएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में उसको बता देंगे, और नहीं अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो अगले वीडियो में हम लोग नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।